यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है। 2 दिन से जैसे सोया नहीं हुआ सिंचे के चक्कर में। आज मैं चैन के दिन सोऊंगा और देर रात तक सोऊंगा। ओके ओके चलो सो जाओ फ्रैंकलिन। मेरी नींदी रानी। अरे फ्रैंकी भैया, फ्रैंकी भैया कहो, फ्रैंकी भैया आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। फ्रैंकी भैया, अरे फ्रैंकी भैया आप सो क्यों रहे हो? मैंने कहा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या हुआ यार सिंचे, तू जाए ऐसे, मैं अभी भी सोने बैठा हूँ यहाँ पर। अरे फ्रैंकी भैया बैठे नहीं हो बल्कि लेटे हो। अरे हाँ मुझे पता है, तू बस जाए ऐसे, मुझे परेशान मत कर। पर फ्रैंकी भैया बहुत ही जरूरी बात है सिंचे, मुझे पता है की कोई भी जरूरी बात नहीं है, तू बस मुझे परेशान कर रहा है। अरे नहीं फ्रैंकी भैया, मैं आपको परेशान नहीं करो, सच में जरूरी बात है और बहुत जरूरी बात है। यार अब ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई जो तू मुझे नींद से उठा रहा है? फ्रैंकी भैया अगर एक बार भी आप ये बात सुनोगे नहीं तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगे। ये सिंचन बिना सुधरेगा नहीं कभी। अगर ये बात जरूरी नहीं बना सिंचन तो मैं सच बता रहा हूँ, तुझे मैं उठाकर इस पानी में फेंक दूंगा। मुझे पता है फ्रैंकी भैया कि आप इसे कभी नहीं करने वाले। एक बार आप बस मेरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ अभी चल बता जल्दी, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे मुझे नींद से उठाना पड़ा? फ्रैंकी भैया मैंने सुना है ना कि आयरन मैन के पास नया सूट आया है। हाँ ठीक है, अगर आयरन मैन के पास नया सूट आया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज आता रहता है। अरे नहीं फ्रैंकी भैया आप समझ नहीं रही हो यार, सिंचन तू ऐसी क्यों बातें कर रहा है धीरे धीरे। अरे क्या फ्रैंकी भैया आप भी, अगर मैं जोर से बातें करूंगे तो कोई ना कोई सुन लेगा। नहीं यार इस गधे के बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। पहली बात सिंचन हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर कोई ये बात सुनेगा कि आयरन मैन के पास नया सूट आया तो भी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। सबको पता रहता है कि आयरन मैन हमेशा नया सूट बनाते रहते हैं। ओफो अरे नहीं फ्रैंकी भैया, ये सूट कोई ऐसा वैसा सूट नहीं है बल्कि ये सूट एक ज़ॉम्बी सूट है। क्या सिर्फ एक मिनट, अरे मैंने ज़ॉम्बी सूट बनाया है? अरे हाँ, टोनी स्टार्क ने एक ज़ॉम्बी सूट बनाया है। अरे पर क्यों, टोनी स्टार्क को तो पता है ना कि ज़ॉम्बी से कितनी बड़ी मुसीबत है, और ऊपर से ज़ॉम्बी अरे मैन का सूट बनाना ये तो बहुत ही खतरनाक वाला काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि टोनी स्टार्क ने ऐसा क्यों किया होगा। फ्रैंकी भैया यही तो, यही पता लगा रही तो मैं ज़ॉम्बी सूट को चुराने वाला हूँ टोनी स्टार्क से। अबे सिंचन तू ये क्या कर रहे, तू पागल हो गया क्या? तू एक ज़ॉम्बी सूट चुराएगा वो भी टोनी स्टार्क से? तुझे पता भी है कि वो आदमी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है? अगर उन्हें पता चल गया ना कि तूने उसको ज़ॉम्बी सूट चुराया है तो फिर पक्का टोनी स्टार्क हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अफो फ्रैंकी भैया आप कितने डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, टोनी स्टार्क को कभी पता नहीं चलेगा। आप बस मेरे पीछे पीछे आओ, वो ज़ॉम्बी सूट तो मैं आपकी भलाई के लिए चुराना चाहता हूँ। अरे अब वो सूट चुरा कर मेरी कौन सी भलाई होने वाली है? अरे फ्रैंकी भैया आप चले तो, आपको सब पता चल जाएगा। ओके चलो 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 टोनी स्टार्क के हेडक्वार्टर्स पे। ओए होए हम लोग आ रहे हैं एवेंजर्स के पास। ओए बैठ जाओ फ्रैंकी भैया। यार ये सिंचन पक्का आज हम दोनों को मरवाने वाला है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ओके चल बैठ जाता हूँ। ओके बैठ गया। अरे वाह क्या बात है स्पाइडरमैन, क्या तुम नाच रहे हो यार? आय हाय तुम्हारा ये ढुमका लगाना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। शुक्रिया डेडपूल, मेरा डांस देख के तो सब लोगों का चैन ही उड़ जाता है क्योंकि मैं हूँ स्पाइडरमैन। मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन? हाँ वही वही। मुझे पता नहीं था अरे मैन कि आप भी इतने फनी हो। क्या रे डेडपूल, फनी तो मैं बचपन से हूँ, बस आज तो मैंने कभी घमंड नहीं किया। क्या कहा, कभी घमंड नहीं किया? टोनी स्टार्क और कभी घमंड ना करें ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों मैंने सही कहा ना हल्क? हल्क का कुछ नहीं पता, मैं बस हरा गेंडा हूँ। 1 2 3 हरा गेंडा। वे वे। अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो, रोको ये सबको, हम लोग एवेंजर्स है कोई फालतू की टीम नहीं। रोको रोको स्पाइडरमैन ने डांस रोको, डेडपूल ने डमरू बजाना बंद करो तुम पहले। अरे क्यों डॉक्टर सिंह, मुझे तो मजा आ रहा है। और मुझे भी स्पाइडरमैन का डांस देख के मजा आ रहा है डॉक्टर सिंह, प्लीज थोड़ी देर और कंटिन्यू करने दो ना। अरे मैंने कहा रोको ऐसे पागल के बच्चों। सब के सब यहाँ पर गधे हैं, बस मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ यहाँ पर। मेरा तो जवाब ही नहीं क्योंकि मैं हूँ आयरन मैन। सिंचन तू पक्का श्योर हो ना कि टोनी स्टार्क को पता चले बिना हम दोनों मिलकर उनका ज़ॉम्बी सूट चुरा सकते हैं? क्योंकि अगर एक बार उन्हें पता चल गया तो हमारी वाट लगने वाली है। ओफो फ्रैंकी भैया मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए और आवाज मत कीजिए। ओके 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 हमें बस चुप चुप के उनका सूट चुराना है, बस उन्हें पता नहीं चल पाई। ओके ओके एवेंजर्स जरूर कहीं आसपास होंगे। अरे बाप रे ये रे, ओके चुप जाओ। ओके फ्रैंकी भैया जल्दी से आओ। अरे फ्रैंकी भैया कहां मर गई? अरे अरे मैं सिंचन आ रहा हूं मैं। ओके यहां पर तो एवेंजर्स नहीं है। सिंचन तू पक्का श्योर है? अरे हां फ्रैंकी भैया मैं 100% श्योर हूं। ओके तो फिर एवेंजर्स यहीं पर है, मुझे ध्यान से रहना होगा। अरे वो रहा आयरन का सूट। ओके तो मुझे उनके पास जाना ही। ओके बस पता नहीं चल पाए उनका। ओके तो भागो सिंचन, भागो भागो भागो। ओके नहीं देखा मुझे। ओके भागो भागो नीचे, भागो नीचे, भागो। ओके भागो फ्रैंकी भैया जल्दी से नीचे आ जाइए। ओके बच गए। ओ हाश बार 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 बच गए। एवेंजर्स ने मुझे नहीं देखा, मजा आ गया। यार सिंचन तो बच के निकल गया है, तो इतना चुटकू सा, वो तो दिखा भी नहीं होगा एवेंजर्स को, पर मैं तो लंबा हूँ, कहीं मैं ना पकड़ जाऊँ उसके चक्कर में। ओके तो फिर आराम से ध्यान से। ओके और ओके आराम से कोई मुझे देख ना पाए। मेरे ख्याल से एवेंजर्स लगभग यहीं पर है। ओके एक मिनट, क्या ये क्या कर रहे हैं अभी स्पाइडरमैन, वो क्या कर रहा है? डरे ढंका देखो मेरा डांस देखो। अरे रोको यार ऐसे पागल, डेडपूल बजाना बंद करो। ओ डु 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 डु
लगता है कि एवेंजर्स पार्टी कर रहे हैं। ओके मुझे कोई देख नहीं रहा। ओके भागो भागो भागो, सिंचन में आ रहा हूँ। ओके चलो फाइनली बच गया। ओके सिंचन में आ गया। हाँ थैंक गॉड, अरे मैंने मुझे नहीं देखा। ओ फ्रैंकी भैया आपको ज्यादा ही डरते हो। अबे तू तो चुप ही कर सिंचन, तुझे बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे एक मिनट, ये देख सिंचन ज़ॉम्बी सूट। ओह माय गॉड फ्रैंकी भैया वाव, हमें ज़ॉम्बी सूट मिल गया। हाँ मिल तो गया पर हमें ज़ॉम्बी सूट को चुराएंगे कैसे? सिंपल है, इसे पहन कर और कैसे। अबे सिंचन तू ज़ॉम्बी सूट पहने वाले तो पागल तो नहीं हो गया? अगर इस चक्कर में तुम ज़ॉम्बी बन गया तो? क्या फ्रैंकी भैया आप भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके तो आजा मेरे सूट, इसको मैं पहनता हूँ जल्दी सही, और मैं बन जाऊंगा ज़ॉम्बी आयरन मैन। ओके पहनो पहनो पहनो। अरे एक मिनट, वहाँ कोई था क्या? क्या हो गया स्पाइडरमैन, किसी भूत को देख लिया क्या? नहीं अरे मैन, मुझे लगा बस अभी कोई यहाँ पर था। हाँ छोड़ो, लगता मुझे ज्यादा चढ़ गई है। और उस स्पाइडरमैन खड़ा किया और डांस करो ना। अरे हाँ हाँ, नाचो 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 नाचो। अरे बात देखो फ्रैंकी भैया, मैं ज़ॉम्बी आर्मी बन गई, मजा आ गया। हाँ सिंचन मैं देख रहा हूँ, पर सिंचन मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इस ज़ॉम्बी आयरन मैन सूट के चक्कर में कहीं तू असली का ज़ॉम्बी ना बन जाए। अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं ज़ॉम्बी बन गया। देखो फ्रैंकलिन भैया मैं ज़ॉम्बी बन गया। क्या सिंचन, क्या तू ठीक है? सिंचन क्या तू ज़ॉम्बी बन गया? मैं तो मजाक कर रहा था फ्रैंकी भैया। क्या फ्रैंकी भैया आप भी, आप तो डर गई, तेरी तो खदे गई, कैसे मजाक करना बंद कर। खामा खा मुझे पूरा डरा दिया तूने, अगली बार से ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ मत करना। सिंचन अबे अबे सिंचन का चला गया, अभी तो सिंचन यहीं पर था। अरे भाई ओ माय गॉड ये क्या हो गया, कहीं अरे मैंने उसे पकड़ तो ले लिया। सिंचन मेरे भाई कहाँ है तू, क्या वो सच में ज़ॉम्बी बन गया क्या? यार क्या हो गया सिंचन? अरे क्या मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? अरे फ्रैंकी मैं कहीं चले गई? अरे ये तो अलग ही जगह, अरे मैं कहाँ पे आ गया? तो सिंचन तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा ज़ॉम्बी सूट चुरा कर आसानी से बचकर निकल के भाग पाओगे? क्या ये कौन बोला है? ऊपर देखो ऊपर। अरे क्या अरे मैं अब यहाँ पर, अरे बाप रे अरे मैं आ गया, मेरे को पता चल गया मैं क्या करूंगा। बाप रे भागो भागो भागो, मैं क्या करूंगा, भागो भागो भागो। मुझसे बचकर भागने की कोशिश मत करो सिंचन, तुम बस ये बताओ कि आखिरकार तुमने मेरा सूट चुराया क्यों? क्योंकि आयरन मैन मुझे पर शक हो रहा है, जिस टोनी स्टार्क को मैं जानता हूँ वो इस ज़ॉम्बी वायरस का सूट कभी नहीं बनाएंगे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये सूट बनाया क्यों? तुम पक्का टोनी स्टार्क नहीं हो, तुम कोई और ही हो। मैं ये सूट चुरा कर कहीं दूर जाकर इसे तबाह करने वाला था, और अब मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम टोनी स्टार्क नहीं हो बल्कि तुम कोई और ही हो इस सूट के अंदर। तो आखिरकार तुमने पता लगा लिया कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, तो फिर मेरा शक सही निकला है। तो फिर तुम ये बताओ कि अगर तुम टोनी स्टार्क नहीं हो तो तुम कौन हो? आई एम सो सॉरी, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर अब तुम मेरे सच्चाई का राज जान चुके हो, इसलिए मैं अब तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। क्या कहे, क्या तुम मुझे मानने वाले हो? बिल्कुल सही कहा, तेरी तो तू ये ले। चल के राख हो जा। ये क्या हो गया, अरे बाप रे, अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाइए, ये मुझे जला रहा है, अरे बाप रे। बस इतना ही नहीं बल्कि तू ये भी ले। चलो इसका काम तमाम हो गया। अब मेरा राज राज ही रहेगा, अब किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, और चल इसे एवेंजर्स के पास चलता हूँ। इस गधे के बच्चे सिंचन ने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं वो ज़ॉम्बी सूट इसलिए बना रहा था ताकि मुझे इस शहर में ज़ॉम्बी वायरस वापस लाना था, पर उस सिंचन ने मेरा सूट चुरा कर सारा मेरा प्लान तमाम कर दिया। पर चलो कोई बात नहीं, वो ज़ॉम्बी सूट तो मैं वापस से बना लूंगा। फिलहाल इन एवेंजर्स को मेरे बारे में पता चलना नहीं चाहिए, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूं तो फिर और भी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर मैं इस शहर में वापस से ज़ॉम्बी वायरस कब नहीं ला पाऊंगा। सर एक मिनट, ये तो आयरन मैन है। अरे आयरन मैन, क्या आपने मेरे सिंचन को देखा क्या, वो अचानक से गायब हो गया। हाँ क्या, अरे ये तो फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन कहीं तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं तो क्यों, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्यों कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं 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 यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम ये बताओ फ्रैंकलिन कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ये कैसे बताऊं। एक्चुअली हम यहाँ पर आपका ज़ॉम्बी सूट चुराने के लिए आए थे। अच्छा तो फिर ये बात है। हाँ अरे मैन आई एम सो सॉरी, और सिंचन ने वो सूट चुरा कर पता नहीं कहाँ चला गया, वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया, और अब मुझे वो मिल नहीं रहा है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे मैन पता नहीं वो ठीक भी हो गया कि नहीं ज़ॉम्बी सूट में। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, होगा सिंचन का यही कहीं होगा। वैसे अरे मैन आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो, हमने आपका सूट चुराया है और आप इतने नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो। अरे नहीं बस यू ही, वो बस मेरा एक नॉर्मल सा सूट था। क्या कोई बात नहीं, मैं वापस से बना लूंगा, और तुम चिंता मत करो सिंचन यही कहीं होगा, मिल जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ, ओके, मुझे
पार्टी मनाना है और सिंचन की चिंता बिल्कुल मत करो। सिंचन ठीक होगा, ओके अपने घर जाओ, बाय बाय। ये क्या आज आर्यमन को क्या हो गया? चलो छोड़ो, मुझे मेरे भाई सिंचन को ढूंढना है। सिंचन मेरे भाई यार, कहाँ है सिंचन? पता नहीं ये घटी का बच्चा कहाँ चले गए सभी सुर को पहन कर। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं वो सिंचन सभी ना बन गया हो। सिंचन मेरे भाई, सिंचन कहाँ है यार? पाल पाल बच गया, वरना उस फ्रैंकलिन को भी मुझ पर शक हो जाता और मुझे भी उस फ्रैंकलिन को मारना पड़ता जैसे कि मैंने उस सिंचन को मारा था। पर कोई बात नहीं, बस कुछ देर और मैं उस ज़ॉम्बी सूट को वापस से बना लूंगा और इस शहर पे पूरे ज़ॉम्बी वाले से राज करूंगा। वैसे पता नहीं कि वो अभी असली टोनी स्टार्क क्या कर रहा होगा। अरे कोई बाहर निकालो मुझे यहाँ से, कोई बाहर निकालो, कोई निकालो मुझे, कोई पकड़ के क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? मैंने तुम्हें यहाँ पर बस यूं ही नहीं पकड़ कर रखा है टोनी स्टार्क, बहुत ही जल्द तुम मेरे काम आने वाले हो। यार जोकर तेरे तो छोड़ दे मुझे, वरना मेरे एवेंजर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तो देखा जाएगा कि कौन किसे नहीं छोड़ेगा। आज तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि नकली आर्यमैन एवेंजर्स के पास है और असली स्टोनी स्टार्क मेरे पास है। Why so serious? Oh my God, मुझे कुछ भी करके ऐसे बाहर निकलना होगा, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। शहर ही क्या, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यार पर मैं जो यहाँ पे बांध दिया, मैं निकलूँ कैसे बाहर है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार कोई तो बचाओ मुझे, प्लीज कोई तो बचाओ। अरे मेरे फ्रैंकलिन भैया, क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया? मैं अब तक मरा नहीं हूँ फ्रैंकलिन भैया, प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाइए मेरे फ्रैंकलिन भैया। सिंचन मेरे भाई यार, कहाँ है तू सिंचन?